हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता फैशन स्टूडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जो नेक डिज़ाइन बनाएंगे उसको हम कुर्ती और ब्लाउज दोनों पर बना सकते हैं। मैं इसे ब्लाउज पर बना रही हूँ। हम पीटर पैन कॉलर बनाएंगे इसमें डिज़ाइन में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया जिसके पीछे मैंने फ्यूज पेपर अटैच किया हुआ है। इस कपड़े की जो लेंथ है वो 11.5 इंचेस है और इसकी जो विथ है वो 8.75 इंचेस है। सेंटर से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरीके के नेक डिज़ाइंस बना आप जो आपका लेफ्ट ओवर कैनवास होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक की जो विथ है वो मैंने 3 इंचेस ली हुई है। नेक की लेंथ मैंने ली है 5.5 इंचेस। अब एक बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे जिसमें हम अंदर का जो नेक का हमारा शेप होगा उसको बनाएंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने हल्का सा वी शेप में दिया हुआ था। तो इस तरीके से मैं नेक डिज़ाइन बना लूँगी। मैंने प्रॉपर राउंड नेक नहीं बनाया है, अंदर का जो नेक का शेप है वो मैंने लगा लिया। अब इसके बाहर जो हम पीटर पैन कॉलर बनाएंगे उसका निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले 3 इंचेस पे मैं इसको पूरा ले लूँगी। ये देखिए, जो कॉलर की लेंथ होगी वो पूरा ले लूँगी। उसके बाद सेंटर से मैं 1/2 इंचेस पर निशान लगाऊँगी या 0.25 जितना मैंने ले लिया। आप 1/2 इंचेस भी ले सकते हैं, ये ओपन होने के बाद हाफ ही हो जाएगा। तो सेंटर से इस तरीके से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब नेक का जो साइड है ऊपर के शोल्डर वाली साइड से 1.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद सेंटर में उस निशान को हम 2 इंचेस पर कर लेंगे और नीचे जाके उसको हम 3 कर लेंगे। हमें जितना नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसी साइज़ जो है वो बढ़ाते जाना है। बाकी आप ऊपर भी सेम रख सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से बनाया है। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी शेप को। तो जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ से एक लाइन छोड़ के मैं कट करूँगी इसे। बस इतना ही कट करेंगे, सेंटर का बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक अस्तर वाला फैब्रिक ले लूँगी। उसके लिए उससे पहले ना गाइस, ये जो हमने नेक का निशान लगाया इसको हम दूसरी तरफ भी पेस्ट कर लेंगे। राउंड जो नेक मैंने लगाया है और पीटर पैन कॉलर जो है उसका दोनों का, और इस तरीके से, क्योंकि पैन का जो मार्क है वो तो हमारा दूसरी तरफ जाता नहीं है तो इसीलिए मैं चौक से निशान लगा लिया है। इस तरीके से दूसरी तरफ भी हमने पेस्ट कर लिया। निशान को डार्क कर लेंगे ताकि हमें ये अच्छे से हाईलाइट हो जाए इस तरीके से। तो अब मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है तो पिन से मैं इसको अटैच कर दूंगी। मेन फैब्रिक के सीधी तरफ मैंने इसको अटैच कर दिया। अब साइड्स में 0.25 जितना मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारा शेप है पीटर पैन कॉलर का उसको बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो शेप का भी मैंने जो साइड्स में सिलाई लगा ली है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे से कट लगा के रेडी कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल छोटे छोटे से कट लगाने हैं, ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटने पाए। सेंटर में हम जितना डीप कट लगाएंगे उतना ही ये अच्छे से फोल्ड होगा, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतना भी डीप नहीं करना है कि हमारा धागा ही कट जाए। तो अब फोल्ड करने के बाद जो इस पर पिंस लगी हुई हैं उनको हम निकाल लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। गाइस, इसको फोल्ड करने के बाद ना आप आयरन कर लें इस पर, तभी ये अच्छे से निकल गया आएगा। बाकी इसके कॉर्नर्स को आप किसी नुकीली चीज़ से निकाल लें, कैची वगैरह से। तो इस तरीके से ये फोल्ड हो गया है। मैं इस पर आयरन कर लूँगी इसको परफेक्टली बनाने के लिए। ये देखिए, नेक का हमें शेप दिख रहा है, इसी शेप पर हम लास्ट में इसको अटैच करेंगे ब्लाउज से। अब मैंने ये एक पट्टी ली है जिसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंचेस है और इसकी लंबाई मैंने 11.5 इंचेस ली है। इसको इसी तरीके से फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है ताकि हमें इस पर सिलाई ना लगानी पड़े। आप चाहे तो सेंटर में सिलाई लगा सकते हैं। अब मैंने ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट ले लिया है। अभी मैंने ब्लाउज़ में लाइनिंग अटैच नहीं की है, सेंटर में क्रीच बना के मैं उस पट्टी को रख दूँगी। तो ऊपर से इस पट्टी को सिर्फ इतना ही रखना है हमें कि जो नेक है वहाँ तक ही आए, ये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। और नीचे से हमारा पूरा नीचे का जो लाइन है वहाँ तक आना चाहिए, हमारा वेस्ट तक, जहाँ तक हमारा कपड़ा है। अब मैंने ये समोसा लेस का यूज़ किया है इसमें। आप चाहें तो कोई अपनी पसंद की लेस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये स्किप भी कर सकते हैं। बटन पट्टी जैसा हम बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके दोनों साइड में लेस लगाऊंगी। गाइस, ये वाली जो लेस है ना बहुत पतली है, बहुत कम दिख रही थी, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी लेस को लगा सकते हैं या फिर आप सिर्फ सिंगल लेस ही लगा सकते हैं, पट्टी को लगाना स्किप कर सकते हैं। तो अब मैंने पट्टी लगा ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर अस्तर रख लूँगी इसके सीधी वाली साइड और नीचे की तरफ सिलाई लगा दूँगी। गाइस, ये अस्तर रखते वक्त ना मेरे को ध्यान नहीं रहा, हम इसमें कॉलर भी ऐसे ही अटैच कर सकते थे, बट कॉलर मैंने लास्ट में अटैच किया है।
आप ऐसे भी स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैंने अस्तर अटैच कर दिया। अब इसको फोल्ड करके एक और अस्तर की साइड में एक सिलाई लगाएंगे, जो मार्जिन है हमारा उसको अस्तर की साइड कर देंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे एक। इसका क्या होता है कि हमारा कपड़ा ना अच्छे से फोल्ड हो जाता है और उठता नहीं है, वो फिर पक्का भी हो जाता है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे और जो हमारा अस्तर है उसको मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। तो मैंने इसको आयरन भी कर लिया है, अच्छे से अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर दी है। अब फोल्ड करके इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे इस तरीके से। और हमारा जो नेक था वो भी ले लिया है मैंने कॉलर वाला, और उसके भी सेंटर में मैंने एक कट लगाया है। अब जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको हम उल्टा करके रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि ये हमारा इस तरीके से आ जाए। तो जो हमारा नेक हमने रेडी किया है उसके साइड्स में भी मैं लेस का यूज़ करूँगी। आप पाइपिंग का लेस यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो लेस जो है मैं ऊपर से ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो हिडन लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए पाइपिंग का यूज़ भी कर सकते हैं गाइस, आप इसमें गोल्डन कलर की या फिर ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट कलर ले सकते हैं कोई भी। तो इस तरीके से इसके कॉर्नर्स में भी मैं लेस लगा दूँगी, वही वाली लेस का यूज़ किया है मैंने जो हमने इसकी पट्टी पे लगाई हुई है। तो ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। फिर से मैंने ब्लाउज़ ले लिया, उल्टा करके रखा हुआ है, और उसके ऊपर नेक जो है वो मैंने सीधा करके रखा हुआ है। ब्लाउज़ का उल्टा साइड और नेक का सीधा साइड एक दूसरे के सामने होगा। पिंस लगा के अटैच कर लेंगे, और जो अब हमारा नेक निशान दिख रहे हैं नेक का, उसी निशान के ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसको इस तरीके से कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। गाइस ये एक्स्ट्रा कपड़े जो बचते रहते हैं ना, इनका यूज़ हम करेंगे लटकन बनाने में, इनको वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरीके से, तो एक्स्ट्रा कपड़े का भी मैंने निकाल लिया है और कट भी लगा लिए हैं इसमें। अब पिंस निकाल के मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। गाइस ये जो मैंने ब्लाउज़ बनाया ना, इसके और भी पार्ट्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी फ़ोटो वगैरह मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, तो मैंने कटिंग करके सब इसको फोल्ड वगैरह कर दिया है। अब इसके ऊपर से मैं एक सिलाई लगाऊंगी, आप चाहें तो इस सिलाई को लगाना स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए आप अंदर की तरफ से सिलाई लगा सकते हैं, जिसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नेक जो है वो हमारा प्रॉपरली अटैच हो गया। अब इसके सेंटर में मैं बटन लगाऊंगी, और उसके बाद हम इसमें प्लेट्स लगा लेंगे। तो प्लेट्स गाइस मैं बाद में आपको लगा के दिखा दूंगी, वीडियो के एंड में मैं इसका आपको प्रॉपर लुक दिखा दूंगी। तो मैंने ये बटन लिए हुए हैं जिसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। मैं 3 बटन लगा रही हूँ, आप 4 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अब इसमें प्लेट्स भी लगा दिया, और जो ब्लाउज़ का नेक है फ्रंट का वो हमारा बनके रेडी हो गया है। इस डिज़ाइन को आप अपने कुर्ती में भी बना सकते हैं। तो गाइस डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है उसको ज़रूर बजाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।